चीजें सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके से शुरू होती हैं जिसके हाथ पांव भी नहीं होते। आपको बता दूं कि कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण, इन दोनों के फैंस भिड़ चुके हैं सोशल मीडिया पर। आखिरकार क्या है वजह इन दोनों के भिड़ने की, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, हम सभी जानते हैं कि कई बार कंगना ने दीपिका पादुकोण पर निशाने साधे हैं। मेंटल इलनेस को लेके जो वो अवेयरनेस फैलाती रहती हैं दीपिका पादुकोण, इस बात को लेकर भी कंगना रनावत ने उन पर निशाना साधा था। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग चल रही है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से कंगना रनावत को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके बाद में कई कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो देखने को मिली है। ऐसे में दीपिका पादुकोण के जो फैंस हैं उन्होंने इस बात को रखा है। उन्होंने कहा जब 2018 में फिल्म पद्मावत आ रही थी, उस दौरान दीपिका पादुकोण को बहुत सारी धमकियां दी गई थी और करनी सेना की तरफ से इनाम तक रखा गया था इस बात को लेके कि जो भी दीपिका पादुकोण की नाक तोड़ देगा, उनका गला काट कर लेकर आएगा, उसे कुछ एक लमसम अमाउंट रखा गया था, वो अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। खैर, उस वक्त पर भी दीपिका पादुकोण को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर कंगना रनावत को दी गई है, तो इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि आखिरकार जब दीपिका को नहीं दी गई तो यहाँ पर कंगना को क्यों। जिस पर कंगना के फैंस भी उतरते हैं जवाब पर और ये कह देते हैं कि जो सिनेरियो पूरा चल रहा है, जहां पे जिस तरीके की बात हो रही था, दीपिका पादुकोण को धमकियां मिली थी, वो राजस्थान की बात थी, यानी कि करनी सेना राजस्थान से वहां पे उनको एक अलग प्रशासन, एक अलग शहर से धमकियां उनको आ रही थी। यहां पर कंगना रनावत को मुंबई के अंदर से ही, मुंबई का ही प्रशासन, मुंबई की शिवसेना मिलकर उन्हें थ्रेट कर रही है, यानी कि उन्हें धमकियां दे रही है। तो ऐसे में उनको इस चीज की जरूरत, यानी कि लेवल जो है दोनों चीजों का अलग अलग समझाने की कोशिश की गई है। इस बात से अग्री ना तो दीपिका के फैंस करते हैं और ना ही कंगना के फैंस कर रहे हैं। तो इस मामले में अब आप लोग बताइए कि आप लोग के हिसाब से इन दोनों में से किसके फैंस जो है वो सही बात कर रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रही है चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।